क्या वाहिदा? हाँ अबू। खाना बन गया क्या? अबू खाना तैयार है। बड़ी जोरों से भूख लगी है आज। तूने कभी किसी का बिगाड़ा है क्या? तेरे अब्बू ने कभी किसी की कुछ बिगाड़ा है तो बता, वो लोग हमको क्यों क्या क्या कुछ क्यों करेंगे? अब्बू वो लोग ये नहीं देखते कि कौन गुनाही है और कौन बेगुनाही। वो लोग बस अपने गुस्से की आग में जो रास्ते में आता है उसे मार देते हैं। अरे बेटा, तेरे अब्बू का नाम पूरे शहर में चलता है, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भले लोग हैं, भले लोग, पैगंबर की राह में चलने वाले लोग। जिसके राह में पैगंबर है उसका कौन क्या कर सकता है? अब्बू आप भी बाहर मत जाइएगा, आजकल खबरों में बस हमारे ही आस पड़ोस के चर्चे हैं। बस हमारे ही आस पड़ोस की खबर में आते हैं कि हर जगह लाशें बिछ रही हैं। कल भी आया था, परसों भी आया था, हर वक्त बस यही चल रहा है। आप भी बाहर मत निकलिएगा। बेटा अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो खाएगी क्या? कोई कुछ तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। करीम नाम है हमारा, करीम। अल्लाह 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 के साथ रहते हैं, अल्लाह के साथ बैठते हैं, अल्लाह के साथ रहते हैं। तू चिंता ना कर बेटा, कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ। जा जा रोटी लगा। ठहर जा पगली, मैं तो पूरा भूख ही उतार। हम जाते हैं हाथ हाथ धोकर।
कसम है पैगंबर की, उन हिंदुओं को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ खुदा शक्ति दे मुझे, तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे यही रुक, कहाँ जा रहे हो? आरती कहाँ मेरे बीबी? आरती आरती बीबी बच्चों तेरे भगवान ने बुलाया, तेरी है भाई। तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई? तुमको मैं नहीं जानता भाई, क्या सुनी हमसे? तुम्हारे आदमी ज्यादा है तो हमको मारोगे भाई? तो हम नहीं मार रहे ना भाई। हाँ तुम्हारा आदमी तो हमको मारोगे? मुसलमानों का देश है ये। आहत हूं मैं इस इंसानियत के नरसंहार को देखते हुए जिन दो हाथों से इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया था, आज वो अपनी ही विचारधाराओं की गुलाम है। नोक झोंक तो तब भी ठीक थी, लेकिन एक हिंदू भाई ने मुसलमान भाई का गला रेत दिया और एक मुसलमान भाई ने अपने ही हिंदू भाई बहन की आबरू ले ली। मैं मोहनदास करमचंद गांधी आमरण अनशन की घोषणा करता हूँ, और जब तक हिंदू मुसलमान नरसंहार बंद नहीं हो जाता तब तक मैं इस अनशन पर बैठा रहूँगा। इकतीस अगस्त 1947 भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ की जंग में जीत हासिल कर ली आज से 16 दिन पहले। वैसे तो पूरा देश
आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिकता की आग सुलग रही थी। हिंदू मुसलमान को मार रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को। एक ऐसी ही आग सुलग रही थी कलकत्ता में। ये पता चलते ही गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और पश्चिम बंगाल में चल रही इस सांप्रदायिकता की आग को बुझाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन का निर्णय लिया। नादान के घर वालों ने मुझे मेरे परिवार के सामने पहले मार कर अलग किया, फिर मेरी बेटी को मेरे ही आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारा और मैं कुछ ना कर सका। फिर क्या, मैं अंधा हो गया। ना मुझे जात दिखा, ना उम्र, और बस मैंने उस मासूम। फिक्र मत करो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे पश्चाताप के सबूत हैं। इन आंसुओं को संभाल के रखो किसी और मुसलमान बच्चे के लिए जिसे अब तुम गोद लेने वाले। इन आंसुओं को तब बहाना जब वो बड़ा होकर तुम्हारे कमजोर बाजुओं का सहारा बनेगा। और हाँ, उस बच्चे की परवरिश इस्लाम में ही हो। आप जैसा कहें वैसा ही होगा बापू। शांति, प्रेम और सौहार्द भाव,
इसी का नाम ही है अहिंसा। कुछ ऐसा ही मार्गदर्शन गांधी जी ने करीम चाचा को दिया। बहरहाल यह अनशन 7 दिनों तक चला। एक बड़े जन समूह ने इस अनशन का समर्थन किया और आखिरकार बापू की यह अनशन रंग लाई और कलकत्ता सांप्रदायिक दंगों से आजाद हुआ। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की फिर मेलजोल को पूरे हिंदुस्तान को बधाई दी। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक साथ तिरंगा लहराया और नारे लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू अपने मुसलमान दोस्तों को मंदिर लेकर जा रहे और मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को मस्जिद लेकर जा रहे। इस खबर ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन की हिंदू मुसलमान की एकता की याद दिला दी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस पूरे के पूरे सांप्रदायिक दंगे का जहर दोनों ही कौम को सहना पड़ा था। तो फिर आज़ादी का यह अमृत तो अच्छा लगना ही था। गांधी जी ने इस पूरे के पूरे आंदोलन के बाद यह उम्मीद जताई कि अब भारत देश में लगभग सारे सांप्रदायिक दंगों को बंद किया जाए और हम फिर से एक आज़ाद भारत में जी पाएंगे।